हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। इस वीडियो में हम सेकेंड ग्रेड साइंस के लिए केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो करेंगे, यानी इसमें हम ब्रीफ में जो है पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी उसमें डिफरेंट जो है कंपाउंड जो है हो सकते हैं। ऐसा नहीं, जो कि होमोजीनियस रहेंगे, जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो सेम और डिफरेंट फिजिकल फेजेस के हो सकते हैं, तो वो एक मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। जैसे गैस का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में, तो इस तरह से डिफरेंट उनकी फिजिकल स्टेट हो सकती है, लेकिन वो एक सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है। द सब्सटेंस फॉर्मिंग द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अ सॉल्यूशन इज ऑफ टू कंपोनेंट, तो वो होता है बाइनरी सॉल्यूशन। अगर उसमें दो कंपोनेंट्स हो तो उसे बाइनरी कंपोनेंट सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? इन बाइनरी सॉल्यूशन एक तो सॉल्वेंट रहता है, एक सॉल्यूट रहता है। सॉल्वेंट जो है वो कंपोनेंट होता है जो लार्ज क्वांटिटी में रहता है, जिसमें हम जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको डिसॉल्व करते हैं, उनसे जो है बनाते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट जो है वो लार्ज क्वांटिटी में रहेगा, वाइल जो सॉल्यूट है वो उससे कम क्वांटिटी में रहता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस जो है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पे हम जो है उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है जो सॉलिड सॉल्यूशंस हैं, जिसमें सॉलिड जो है सॉल्यूट रहेगा और सॉलिड ही जो है उसका सॉल्वेंट रहेगा। जैसे अलॉयज जो होते हैं, जो अयस्क होते हैं, वो क्या होते हैं? सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन है ये। तो सॉल्वेंट भी सॉल्यूट है, सॉरी, जो सॉल्यूट भी जो है वो सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड है। नेक्स्ट है लिक्विड का सॉलिड में, यानी सॉल्यूट जो है वो लिक्विड हो और सॉल्वेंट सॉलिड हो। जैसे कि हाइड्रेट सॉल्ट, अमालगम्स ऑफ मर्करी विथ सोडियम। गैस का सॉलिड में जो है सॉल्यूशन हो, तो जो डिसॉल्व गैसेस रहती हैं मिनरल्स में वो होती है गैस का। ये सारे जो है सॉलिड सॉल्यूशंस के एग्जांपल। लिक्विड जो सॉल्यूशन है तो उसमें जो सॉल्वेंट है वो सारा लिक्विड रहेगा, लेकिन जो सॉल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है। तो जब सॉलिड सॉल्यूट जो है वो सॉलिड हो, जैसे कि सॉल्ट और शुगर है सॉल्यूशन इन वाटर, लिक्विड का लिक्विड में अल्कोहल इन वाटर या लेमन जूस जो होता है, तो इस तरह से हम एग्जांपल दे सकते हैं। तो गैस और लिक्विड का, जैसे एरेटेड ड्रिंक्स रहती हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो सारी, ऑक्सीजन का वाटर में सॉल्यूशन हो, तो ये है लिक्विड का लिक्विड सॉल्वेंट हो और सॉल्यूट जो है वो लिक्विड गैस और सॉलिड कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है गैशियस जो सॉल्यूशन रहते हैं उनमें गैस जो है वो क्या रहेंगी? सॉल्वेंट रहेंगी, और सॉलिड लिक्विड और गैस कुछ भी जो है सॉल्यूट हो सकता है। सॉलिड अगर हो तो जैसे आयरन वेपर इन एयर, लिक्विड हो तो वाटर वेपर इन एयर, और गैस का गैस में हो तो एयर जो है जिसमें वेरियस जो है गैसेस पाई जाती हैं। सो दीज आर सॉल्यूशंस। अगर वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाए तो हम उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर वाटर ना हो तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप का जो सॉल्यूशन है, एक तो हमने देख लिया कि नेचर जो है उस पर डिपेंड करे, अब जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उस पर डिपेंड करता है एक सॉल्यूशन जो है, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। तो डिफरेंट टाइप के जो है सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें और भी ज़्यादा सॉल्यूट जो है डिसॉल्व किया जा सकता है विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी बिना टेम्परेचर बढ़ाए और सॉल्यूट जो है डिसॉल्व किया जा सकता है, वो होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें एक पीक पॉइंट आ जाता है, उसके बाद जो है सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर जो है इंक्रीज करना पड़ता है, जिससे जो है सॉल्यूट और हम उसमें डिसॉल्व कर पाएँ।
और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है थर्ड टाइप, जिसमें विच कंटेन्स मोर सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो, जो नेसेसरी क्वांटिटी है उससे भी ज़्यादा एट अ गिवन टेम्परेचर, इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। क्या होती है सॉल्युबिलिटी? होती है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब बेस जनरली हम जो है 100 ग्राम सॉल्वेंट लें तो उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व हो जाए उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी हमें उसका जो है टेम्परेचर बढ़ाना घटाना नहीं पड़े, एक एट गिवन टेम्परेचर, यानी जैसे रूम टेम्परेचर है तो जो मैक्सिमम अमाउंट जो शुगर है हम डिजॉल्व करें वाटर में तो वो उसकी जो मतलब एक लेवल होगा, उसके बाद शुगर जो है डिजॉल्व नहीं हो पाएगी, तो जिस लेवल तक वो डिजॉल्व हो पा रही है वो उसकी होगी सॉल्युबिलिटी, और उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर पे जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो होती है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी जो है ऑफ अ सॉल्यूट इन अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। एक तो नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रेशर। गैस के केस में जो प्रेशर है वो भी इस पर डिपेंड करता है कि कितनी जो है उसकी घुलनशीलता होगी सॉल्वेंट में। हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है। हेनरी लॉ ये स्टेट करता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम यहाँ एक्स लिखेंगे ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। यानी जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, मोल फ्रैक्शन के ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन, और इसे हम एक्सप्रेस करते हैं पी इक्वल्स टू के एच डॉट एक्स। ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, के एच जो है वो कांस्टेंट है एक। तो जितनी ज़्यादा के एच की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। के एच की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो है के एच जो है वो कम हो जाएगा। तो एक्वेटिक स्पीशीज़ जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है कोल्ड वाटर में, क्योंकि उसमें O2 जो है वो ज़्यादा डिजॉल्व रहती है रादर देन वार्म वाटर। सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है कि हम एक तो सॉफ्ट ड्रिंक जो है जो सोडा वाटर है उनके मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज़ होता है, क्योंकि उसमें CO2 जो है वो हाई प्रेशर पे उसमें पास की जाती है लिक्विड में, तो जिससे कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है KH और KH पर डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। जितनी ज़्यादा KH होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। तो हाई प्रेशर पे जो है वो गैस जो है वो लिक्विड में सॉल्युबल हो जाती है। टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट व्हेन अकम्पेनिंग द डिकम्प्रेशन ऑफ डीप सी जो डाइवर्स रहते हैं, तो उसमें जो है O2 के साथ हम हीलियम भी जो है वो गैस यूज़ करते हैं, जिससे उन जो डीप सी डाइवर्स रहते हैं उनके गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी यूज़ किया जाता है ताकि उनको सांस लेने में जो है इतनी दिक्कत ना हो। एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लेस देन दैट एट ग्राउंड लेवल। दिस लीड्स टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ O2 इन ब्लड ऑफ द क्लाइंबर्स विच कॉजेज एनोक्सिया। यानी जब हम माउंटेन्स पर जाते हैं तो जो एयर होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, तो उससे जो क्लाइंबर्स रहते हैं उनमें एनोक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है।
एक से कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस. अब जो कंसेंट्रेशन है, द कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन. जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में उसे हम कंसेंट्रेशन कहते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन. एक डायल्यूट सॉल्यूशन होते हैं जिनमें बहुत कम अमाउंट में जो है सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है, और एक कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन रहते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है सॉल्यूट रहता है. ठीक है. मैथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इसके लिए हम वेरियस मैथड्स यूज़ करते हैं. तो है परसेंटेज बाय वेट, यानी इसमें जो है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन जो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन है इनटू 100, यानी 100 ग्राम में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के, वो होता है परसेंटेज बाय वेट. इसलिए वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन जो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन है इनटू 100, इसे हम जो है परसेंटेज ऑफ वेट निकाल सकते हैं. परसेंटेज बाय वॉल्यूम जो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो वेट ऑफ सॉल्यूट है प्रेजेंट इन द वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ठीक है. या फिर हम इसे जो है 100 ml सॉल्यूशन से भी जो है डिफाइन कर सकते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो जाएगा. नाउ द मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन जो है हम x से डिनोट करेंगे. इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट, यानी किसी एक कंपोनेंट के मोल्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स. जैसे NaOH है तो इसमें हमें सोडियम के जो मोल्स हैं अपॉन Na प्लस OH के जो मोल्स हैं जो टोटल हैं, तो इस तरह से जो हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें दो कंपोनेंट्स मिले हों, the number of moles of A and B are Na and Nb respectively, the mole fraction of A will be. तो इस तरह से जो ये Na के हमें निकालने हो moles, mole fraction, तो Na upon जो total number of moles हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे. सिमिलरली दूसरे के भी इस तरह से निकल जाएंगे. Now what is part per million, जो PPM है वो क्या है? It is defined as the part of a component per million part, that is 10^6 part में जो है कितना part है एक component का of the solution. It is widely used as a solute, is present in trace quantities. क्योंकि अब solution million part पूछा है हमको, तो that is trace quantity में हमें मिलेगा. PPM जो है number of parts of component upon total number of parts of the all components into 10^6. तो ये बहुत जो है negligible amount में जो है इसका आंसर आ जाएगा. मोलारिटी. नाउ नेक्स्ट है मोलारिटी. इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन. एम हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. लीटर में होना चाहिए वो वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का. सो अगर हमें मास दे रखा हो सॉल्यूशन का, मतलब किसी कंपाउंड जो सॉल्यूट है उसका हमें मास दे रखा हो, तो हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू जो वॉल्यूम है ऑफ द सॉल्यूशन. ये हमें अगर ml में दे रखा हो तो हम इसे जो है लीटर में कन्वर्ट कर देंगे बाय डिवाइडिंग इट 1000. ठीक है. जैसे यहाँ दे रखा हो हमें NaOH का, हमें दे रखा है, बोला है NaOH में Na जो है वो 4 ग्राम डिजॉल्व है. NaOH 4 ग्राम डिजॉल्व है किसमें? 200 ml ऑफ वाटर में. तो हमें इसकी क्या पता करनी है? मोलारिटी पता करनी है.
सो 4 ग्राम दे रखा है, 4 × 1000 क्योंकि ये ml में दे रखा है। अब NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हम फाइंड कर लेंगे, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 40 × जो वॉल्यूम दे रखा है हमको इन ml। तो इससे जो है इसकी मोलारिटी आ जाएगी, सो द मोलारिटी वेरीज विद टेम्परेचर ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है क्योंकि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है। अगर मोलारिटी एक हो सॉल्यूशन की तो इट इज कॉल्ड एज अ मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। 1 मोल हो मोलारिटी तो दैट इज नोन एज मोलर सॉल्यूशन, अगर 0.1 मोल हो तो वो डेसीमोलर सॉल्यूशन कहलाता है, और 0.5 मोल हो तो वो कहलाता है सेमी मोलर सॉल्यूशन। और मोलारिटी को हम एक और फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि परसेंट बाई मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये जो मास परसेंट हमें दे रखा है, क्वेश्चन ऐसा ही दे रखा होगा, सीधे सीधे हमें वैल्यू दे रखी होगी कि इतना मास परसेंट है, इतनी इसकी डेंसिटी है, और मॉलिक्यूलर वेट हम खुद निकाल सकते हैं या फिर दे भी रखा होगा तो उससे हमें पूछे कि मोलारिटी क्या है इस सॉल्यूशन की। तो मास परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सो लॉ ऑफ डाइल्यूशन कहता है कि m1v1 = m2v2, ये है वॉल्यूम है डाइल्यूशन के, और m1 m2 जो है उसकी पोलैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है डाइल्यूशन लॉ, हो गया हमारा फॉर रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स m1v1 upon n1 और n2 जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इन बैलेंस्ड इक्वेशन। सो दो रिएक्टेंट्स के बीच में अगर रिएक्शन हो जैसे a + b = c + d और इसको बैलेंस करें हम इक्वेशन को, मान लो यहाँ 2 हो या 1 हो, सो ये जो आगे लिखे हुए हैं ये हैं इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो m1v1 upon n1 = m2v2 upon n2। नेक्स्ट है मोलालिटी, व्हाट इज मोलालिटी, इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व हैं पर केजी सॉल्वेंट में। मोलालिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल एम से डिनोट कर देंगे, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, क्योंकि ये पर केजी में है इसलिए हम इसे 1000 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मोलारिटी जो थी वो डिपेंड करती थी टेम्परेचर पे, लेकिन मोलारिटी जो है वो इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नाउ वन सॉल्वेंट वाटर यूज़ किया जाए तो 1 मोलर सॉल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड दैन 1 मोलल सॉल्यूशन, ये याद रखना है कि 1 मोलर सॉल्यूशन अगर वाटर सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाए दैन 1 मोलर सॉल्यूशन विल बी मोर कंसनट्रेटेड दैन 1 मोलल सॉल्यूशन, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स एंड
नेक्स्ट है नॉर्मैलिटी, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो होता है नॉर्मैलिटी, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम, तो वो हम निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन जो उसका इक्विवेलेंट वेट है. अब हमें जो है नॉर्मैलिटी दे दी जाए और हमसे पूछ लिया जाए कि उसकी जो है मोलारिटी क्या है, तो हम निकाल सकते हैं नॉर्मैलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट. ये मोलारिटी है, ये नॉर्मैलिटी है, इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट. नाउ इफ टू सॉल्यूशंस ऑफ द सेम सॉल्यूट हैविंग वॉल्यूम्स एंड मोलारिटी V1 M1 एंड V2 M2 आर मिक्स, सो अब अगर दो सॉल्यूशन हो जिनमें सॉल्यूट और उनका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम और उनकी मोलारिटी दे रखी है और उनको मिक्स किया कर दिया जाए और हमसे पूछे कि नए सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी, तो वो हो जाएगी तो ये हो जाएगी जो न्यू मोलारिटी है वो हो जाएगी M1 प्लस M2 अपॉन V1 प्लस V2, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन जो टोटल जो वॉल्यूम है उसे हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो जो न्यू सॉल्यूशन की मोलारिटी है वो आ जाएगी. सिमिलरली उसकी जो नॉर्मैलिटी है वो आ जाएगी N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, यानी टोटल वॉल्यूम से जो है हम डिवाइड करेंगे. टू डाइल्यूट V1 ml ऑफ सॉल्यूट ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग मोलारिटी M1 टू मोलारिटी M2 अप टू द फाइनल वॉल्यूम V2 ml, द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडिड इज, तो हमको जो है इसको डाइल्यूट करना है सॉल्यूशन को, तो V2 माइनस V1 हो जाएगा क्योंकि फाइनल वॉल्यूम जो है हमें पूछा है और हम अमाउंट ऑफ वाटर पूछा है हमें कितना हम उसमें वाटर ऐड करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M2 इंटू V1. और अगर नॉर्मैलिटी दे रखी हो तो सिमिलर वही फॉर्मूला लगेगा, बस नॉर्मैलिटी को N1 माइनस N2 अपॉन N2. ये याद रखना है कि M2 जो है और N2 वो नीचे आएंगे क्योंकि पहले वाले की जो है वो ज़्यादा होगी मोलारिटी और नॉर्मैलिटी. नेक्स्ट है फॉर्मैलिटी क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. फॉर्मैलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस एडेड टू द सॉल्यूशन. अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सो नाउ नेक्स्ट इज मास फ्रैक्शन. व्हाट इज मास फ्रैक्शन? मास फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. यानी जो सॉल्यूशन है उसमें किसी कंपोनेंट का हमें मास दे रखा हो और जो टोटल मास है सॉल्यूशन का उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो वो होगा मास फ्रैक्शन होगा. मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन आर प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी नॉर्मैलिटी एक्सेट्रा. ठीक है, तो किसको प्रेफरेंस दी जाती है? मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन को ओवर मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी, बिकॉज जो
ये पहले वाले हैं, इनमें हम वेट जो है उसको इन्वॉल्व करते हैं जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होते हैं, इसलिए ये जो है ज़्यादा वैलिड रहते हैं, वेट जो है वो चेंज नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इज डीमल, इट इज रिप्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 0° C टेम्परेचर। नाउ वॉट इज रॉल्स लॉ, Raoul's law states that for a solution of 2 volatile liquids, the vapor pressure of each liquid in solution is less than the respective vapor pressure of pure liquid. यानी एक volatile solution में जो vapor pressure है हर एक liquid का वो less कम होगा जो pure liquid है उसके vapor pressure से, and the equilibrium partial pressure, पार्शल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्मॉल फ्रैक्शन। यानी जो पार्शल प्रेशर है एट इक्विलिब्रियम ऑफ पार्शल वेपर प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके जो मोल फ्रैक्शन है जो हमने निकाला था एक्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू पी ए इक्वल्स टू के एक्स ए, ये के इज अ कॉन्स्टेंट। एक्स ए जो था हमने देखा था कि एक जो है मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, एक 2 अगर उसमें दे रखे हैं कंपोनेंट्स तो मोल ऑफ 1 अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ अ लिक्विड। सो द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज के इज कंसिडर्ड, सो जो k है हम निकालते हैं जब एक्स ए जो है वो 1 होगा तो k जो है वो पार्शियल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और प्योर लिक्विड, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम ये निकाल सकते हैं। सो जो टोटल वेपर प्रेशर है दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूट, जो मॉलिक्यूल जो कंपोनेंट है उसका, प्लस जो अदर कंपोनेंट है उसका। इसको हम फर्दर जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, पी अपॉन एक्स इंटू एक्स ए प्लस पी इंटू एक्स पी। सो दिस इज राउल्स लॉ। नाउ नेक्स्ट इज कनोल ऑफ रूल, ये क्या कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर इन द वेपर फेज देन इन सॉल्यूशन फेज। यानी वेपर फेज में जो है मोल फ्रैक्शन जो है जो जितनी ज़्यादा वोलेटाइल होगी सॉल्यूशन उसका वेपर फेज जो है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा देन इन सॉल्यूशन फेज। The composition of vapor phase in equilibrium with solution is determined by the partial pressure of the component. If Y1 and Y2 are the components and 1, 2 respectively in the vapor phase, then using Dalton's law of partial pressure, यहाँ पे P1 जो है जो partial pressure है that will be equal to Y1, ये जो है components हैं, into P जो total है, टोटल जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। तो ये है कनोव लॉफ रूल जो कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर इन वेपर फेज देन इन सॉल्यूशन फेज। सो नेक्स्ट है आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन जो है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन के इक्वल हो, सिमिलर हो, ऑलमोस्ट सिमिलर हो, वो होते हैं जो है आइडियल सॉल्यूशन। दैट इज़ वो जो है राउल्स लॉ को जो है ओबे करें। वो होते हैं आइडियल सॉल्यूशन जिसमें जो प्रेशर है वेपर प्रेशर द कंपोनेंट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन टू द प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर।
सो द आइडियल सोल्यूशन मस्ट ओबे राउल्स लॉ. डेल्टा एच जो है मिक्स ऑफ, यहाँ ज़ीरो होगी क्योंकि इसमें कोई जो मिक्सचर है, एंथैल्पी ऑफ द मिक्सचर विल बी ज़ीरो क्योंकि यहाँ कोई ना तो एनर्जी इवॉल्व हो रही है ना एब्जॉर्ब हो रही है. और जो डेल्टा वी है वो भी ज़ीरो होगा क्योंकि ना तो एक्सपेंशन हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये तो सम सॉल्यूशन बिहेव लाइक नियरली आइडियल सॉल्यूशन, जैसे बेंजीन और टोल्यून का सॉल्यूशन है, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, इथाइल आयोडाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड एंड क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन. ये जो है एग्जाम्पल्स हैं किसके, आइडियल सॉल्यूशन के. नेक्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, वो होते हैं जो कि रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं. तो इसमें जो है जो डेल्टा एच और डेल्टा वी जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होते हैं फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ. इन सच केसेस ए बी इंट्रैक्शन आर वीकर देन ए ए और बी बी इंट्रैक्शन, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन जो है वो वीकर होगी सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट रिएक्शन से, इंटरेक्शन से. और वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड टोटल वेपर प्रेशर आर ग्रेटर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय राउल्स लॉ, यानी जो टोटल वेपर प्रेशर है वो ग्रेटर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ जो वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का, एक कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन. सो इसलिए जो टोटल प्रेशर है वो भी इक्वल होगा कंबाइंड जो प्रेशर है उससे. इसके एग्जाम्पल हैं इथेनॉल एंड वाटर, CH2 एंड एसीटोन, CCl4 एंड C6H6. CCl4, C6H5, CH2 एंड इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन और CCl4 प्लस CHCl3. तो ये है एग्जाम्पल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं. और नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, सो पॉजिटिव डेविएशन में जो टोटल प्रेशर है वो ज़्यादा होगा ऑफ द प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है, ठीक है. लेकिन नेगेटिव में जो है ये टोटल जो है वो इनसे कम होगा. जो ए ए और ए बी का इंट्रैक्शन है वो लेस होगा देन ए और बी के इंट्रैक्शन, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन जो है वो सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन से ज़्यादा होगा. इसलिए इसका जो वेपर प्रेशर है वो भी ज़्यादा होगा देन ईच कंपोनेंट. नेक्स्ट है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनकी कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स हैं ये. इसमें जो दो मिक्सचर हैं, दो या मिक्सचर जो है दो या दो से ज़्यादा लिक्विड का, तो उनको जो है सिंपल डिस्टिलेशन से जो है हम अलग नहीं कर सकते. और ये जो है द बॉयल्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर लाइक ए प्योर लिक्विड एंड डिस्टिल ओवर द सेम कम्पोजिशन. तो उसकी जो डिस्टिलेशन में उनकी सेम कम्पोजिशन आएगी, तो इसलिए उनका कॉन्स्टेंट ये जो इसलिए इनको कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को. ये जो है बनाए जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन से. मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वो होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय दोज लिक्विड पेयर्स विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. सो द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो बनते हैं फॉर्म बाय दोज लिक्विड पेयर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं आइडियल बिहेवियर से, तो वो बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स जिनकी बॉइलिंग पॉइंट जो है लोअर रहती है देन देयर कंपोनेंट्स, यानी जो उनके कंपोनेंट्स हैं उनसे उनकी बॉइलिंग पॉइंट जो है कम रहेगी. ये होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स जो कि बनता है C2H5OH 95% प्लस H2O अगर हम 4% लें बाई मास. तो ये एक जो है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाएगा. नेक्स्ट है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, ये जो है नेगेटिव डेविएशन जो शो करते हैं आइडियल बिहेवियर से उनसे बनते हैं ये, और इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट वो हायर रहता है, इनका जो बीपीए वो हायर रहता है देन देयर कंपोनेंट्स.
नेक्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव जो वर्ड है, कॉलिगेट और लैटिन से आया है, को का मीन्स है टुगेदर एंड लाइगर का मीन्स है टू बाइंड. सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन. ठीक है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनके नंबर पे डिपेंड करेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, वो होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. नाउ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट इज़ द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू द प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन. अगर एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा तो उसका जो रिलेटिव जो वेपर प्रेशर है उसमें लोअरिंग जो है वो उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगी. यानी मोल फ्रैक्शन जो हमने देखा था उसके इक्वल होगी ये रिलेटिव लोअरिंग जो है वेपर प्रेशर में ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. सो ये जो है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. तो इसका जो था ये था बी का निकाला है हमने, तो जो एन एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी ये इसके इक्वल हो जाएगा. तो डाइल्यूट जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसके लिए क्या होगा, जो ए पार्टिकल है उसकी वैल्यू जो है वो बी से ज़्यादा होगी. सो जो बी है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू ए. दिस विल बी एन बी अपॉन एन ए. सो वेट ऑफ एन अपॉन जो मॉलिक्यूलर मास इनटू ए का जो है हो जाएगा एम ए अपॉन डब्ल्यू ए. सो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज यूज टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट. डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए जो है वो है मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, डब्ल्यू बी है किसका, सॉल्यूट का मास है, और डब्ल्यू ए जो है सॉल्वेंट का मास है. और ए और बी जो है, एम ए और एम ई बी जो है वो मॉलिक्यूलर वेट है ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. नाउ ओसवाल एंड वॉकर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. Elevation in boiling point. Boiling point of a liquid is the temperature at which its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. यानी इसका जो vapor pressure है वो उसके atmospheric pressure के equal हो जाता है, तो वो होता है उसका boiling point. As the vapor pressure of the solution containing a non-volatile solute is lower than that of the pure solvent, its boiling point will be higher. जो non-volatile solute है उसका, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है कम होता है तो उसका जो बीपी है वो हायर होगा. सो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. सो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू जो बॉइलिंग पॉइंट है माइनस इनिशियल इनटू डेल्टा टी बी. इसकी वैल्यू हो जाएगी के बी इनटू एम. एम इज़ मोलालिटी जो हमने निकालना सीखा था, मोलालिटी. एंड के बी जो है वो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, या फिर इसे हम जो है इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं. सो मॉलिक्यूलर मास जो है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, बॉइलिंग जो टेम्परेचर है टी बी, के बी जो कांस्टेंट है, इनटू डब्ल्यू पी, डब्ल्यू बी इनटू 1000 अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए. जो कि हमने देखा था डब्ल्यू बी जो है वो क्या है, सॉल्यूट का मास है. डब्ल्यू ए जो है सॉल्वेंट है.
उसका मास है ये, और एम बी जो है वो है मोलाइल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूशन। इसकी के बी की यूनिट जो है वो होती है केल्विन पर मीटर और केल्विन के जी पर मोल। वाटर के लिए जो के बी है वो 0.52 केल्विन के जी पर मोल रहेगी। द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय, तो जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है वो किस मेथड से अपना डिटरमाइन कर सकते हैं हम, तो है लेंड्सबर्ग मेथड, कॉट्रेल्स मेथड। नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो दो मेथड है जो कि बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, लेंड्सबर्ग मेथड एंड कॉट्रेल्स मेथड। नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन इट्स लिक्विड एंड सॉलिड फेज बिकम इक्वल। सो जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, तो उसका वेपर प्रेशर जो है लोअर रहता है देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो सॉलिड जो है फॉर्म्स गेट सेपरेटेड आउट ऑफ अ लोअर टेम्परेचर एज शोन इन द फिगर। सो टेम्परेचर जब चेंज होगा तो जो सॉलिड है उसमें प्योर जो लिक्विड है और सॉल्यूशन, इसका ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा। सो दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट एट अ लिक्विड इज नोन एज अ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज नोन एज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाई डेल्टा एफ इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। एंड मॉलिक्यूलर मास जो है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, डेल्टा टी एफ अगर हमें दे रखा हो, के एफ जो कॉन्स्टेंट है वो, और इंटू एम। सो एम की जो है हम यहाँ पे इक्वेशन में इक्वेशन बना लेंगे। सो दिस विल गिव अस द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। के एफ जो है वो मोलर डिप्रेशन है, डिप्रेशन कांस्टेंट है या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, और के एफ की यूनिट जो है केल्विन पर मीटर होती है या फिर किलो केल्विन पर मोल। एंड इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड, इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो यूज़ किया जाता है एडेड टू वाटर, यूजुअली एडेड टू वाटर इन द रेडिएटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन। इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस वाटर जो है उसे हम एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन कहते हैं। एंड कॉमन साल्ट एंड एनहाइड्रस CaCl2 आर यूज टू क्लियर स्नो ऑन द रोड्स बिकॉज दे डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज डिटरमाइंड बाई बैकमैन्स मैथड और रास्ट मैथड। नाउ द मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट कैसे हम मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट एंड मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट जो है कैलकुलेशन कैसे होगी, सो दिस विल बी इक्वल टू के बी इक्वल्स टू एम ए आर टी बी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वी। टी बी जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट है और सिमिलर इक्वेशन इसके लिए है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो वेपोराइजेशन एंथैल्पी है ये, एंड दिस इज मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। डिप्रेशन कांस्टेंट जो है वो फ्यूजन पे कैलकुलेट किया जाएगा और एलिवेशन कांस्टेंट जो है वो वेपोराइजेशन की एंथैल्पी पे कैलकुलेट किया जाएगा। और ये है फ्रीजिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट के साथ एंथैल्पी आएगी एंड द होल स्क्वायर ऑफ टी एफ एंड टी बी। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस इज द फिनोमेना ऑफ अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट और टू सॉल्यूशन और फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी ऑस्मोसिस में जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन में जाएगा।
और ये जो है फर्स्ट ऑब्जर्व की थी एबे नॉलेट ने. सम नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स आर एनिमल ब्लैडर सेल मेम्ब्रेन्स एक्सेट्रा. CuFeCN6 इज एन आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच डजन वर्क इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन एज इट इज़ डिजॉल्व इन देम. ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन में जो है काम नहीं करती सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो आर्टिफिशियल है ये उसमें डिजॉल्व हो जाती है. तो ऑस्मोसिस जो है वो हो सकता है एग्जोस्मोसिस हो सकता है, दैट मीन्स आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम अ सेल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, से बाहर की तरफ जो है वाटर का मूवमेंट हो ये होता है एग्जोस्मोसिस, और अंदर की तरफ जो है मूवमेंट हो थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो ये होता है एंडोस्मोसिस, यानी अंदर की तरफ जो मूवमेंट रहता है इसका. सो द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप ऑन द सॉल्यूशन विच जस्ट प्रिवेंट द ऑस्मोसिस ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो निकालेंगे हम पाई इक्वल्स टू आर सी टी. सी जो है होता है एन बी अपॉन वी, एन बी जो है वो होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी. इंटू वॉल्यूम यहाँ जो है इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके और पाई जो है दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो निकाल सकते हैं. यहाँ ये डेंसिटी दे रखी है हमें डी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन वी. डी जो है डेंसिटी है, आर सॉल्यूशन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एम जो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी डिटरमाइंड बाय एनी वन ऑफ दिस मेथड लिस्टेड बिलो. जो पेफर्स मेथड है, बर्कलेज एंड हार्टले मेथड है, ये बहुत अच्छा मेथड है उसको कैलकुलेट करने के लिए. मोर्स एंड फराजार्स मेथड एंड तो ये तीन मेथड है ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए. तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे सॉल्यूशन जो है वो हो सकते हैं, एक तो हाइपरटोनिक होता है. हाइपरटोनिक वो होते हैं जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हायर होता है देन दैट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम विच इट इज़ सेपरेटेड बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है जिस सॉल्यूशन से वो सेपरेट किया गया है उससे ज़्यादा हो. When a plant cell is placed in hypertonic solution, the fluid from the plant cell comes out and the shell shrinks. यानि एक plant cell को अगर हम hypertonic solution में रखेंगे तो इससे जो fluid है वो बाहर आ जाएगा और cell जो है वो shrink हो जाएगा. और इस phenomenon को हम कहते हैं plasmolysis. Now the hypertonic solution, ऐसे solution जिसमें osmotic pressure जो है वो कम होता है from the solution from which it is separated. Now isotonic solution, the two solutions are called isotonic if they exert same osmotic pressure. अगर वो same osmotic pressure exert करते हो तो वो होते हैं isotonic solutions. ये solution जो है इनकी molar concentration भी सेम होती है, मोलर कंसंट्रेशन सेम होती है. जैसे 0.9% सॉल्यूशन ऑफ प्योर NaCl इज आइसोटोनिक विद ह्यूमन RBC. टू सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक इफ दे हैव सेम मोलर कंसंट्रेशन. सो दिस इज ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन x की और इक्वल्स टू y की मोलर कंसंट्रेशन x upon mx equals to y upon mpi, the molar concentration. Osmotic pressure develop, osmotic pressure method is the best method for determining the molecular masses of polymers since observed value of any other colligative property is too small to measure within the reasonable accuracy. तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से जो हम क्या कर सकते हैं मॉलिकुलर मासेस जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं पॉलीमर्स के. नाउ रिवर्स ऑस्मोसिस, जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा जो एक्सटर्नल प्रेशर हो तो सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करते हैं, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. जैसे डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर is done by reverse osmosis.
नाउ द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेज, ये क्या होते हैं? इन सम केसेस ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डेविएट फ्रॉम देयर नॉर्मल कैलकुलेटेड वैल्यूज ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन मॉलिक्यूलर जो मास है उसके. यानी हायर एंड लोअर वैल्यूज ऑफ मोलर मास इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन रिस्पेक्टिवली. एसोसिएशन में हायर हो जाएगा एंड डिसोसिएशन में लोअर मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा. जैसे बेंजीन एसिटिक एसिड जो है वो एसोसिएट हो जाते हैं. सो इट इज़ ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास इज 120. जब बेंजीन और एसिटिक एसिड जो है मिलके उनका मॉलिक्यूलर मास 120 हो जाता है, लेकिन जब KCl जो है डिसोसिएशन में जाता है एक्वस सॉल्यूशन में तो उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 37.25 ही रह जाता है क्योंकि डिसोसिएट हो गया. तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का मास जो है वो डिसोसिएशन में डिक्रीज हो जाता है. नाउ इसकी करेक्ट वैल्यू जो है हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करके. व्हाट इज़ वेंट ऑफ फैक्टर? इट इज़ द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. आई जो है वो ऑब्जर्व वैल्यू है ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. और आई ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास. अदरवाइज इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली. उसे भी डिवाइड करके हम जो है आई को निकाल सकते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर को निकाल सकते हैं. सो टू करेक्ट द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द मोलर मास वेंट ऑफ फैक्टर मस्ट बी इंक्लूडेड इन डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर कॉलिगेटिव. आई इज द वेंट ऑफ फैक्टर इंटू के बी अपॉन एम. सो द ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू, या फिर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ जो इनिशियली थे वो. तो जो भी हम कैलकुलेट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दिस पार्शियल प्रेशर, इसके लिए हम आई जो है वो इंक्लूड कर देंगे वेंट ऑफ फैक्टर से. तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इनकी, जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस है, वो कैलकुलेट हो जाएंगे. नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर. इफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस गेट डिसोसिएटेड इनटू एन पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देन. इसके हमने जो है प्रॉब्लम्स की कर रखी हैं प्रीवियस वीडियोस में. सो इनिशियली जो है वन मोल है इसका, और ये ज़ीरो जो है क्योंकि ये ही डिसोसिएट हुआ है तो ये ज़ीरो हो जाएगा. और एट इक्विलिब्रियम अल्फा डिसोसिएशन डिग्री है तो वन माइनस अल्फा एंड दैट इज़ एन अल्फा. सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम विल बी वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा. That is, so ये I के equal जो है हम इसे कर देंगे and alpha will be equal to I minus 1 upon N minus 1. Alpha हमने common ले लिया है. नाउ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन की डिग्री जो है इन एन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस एसोसिएट टू फॉर्म ए एन एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन. तो इनिशियली जो है वन मोल और यहाँ ज़ीरो एंड एट इक्विलिब्रियम वन माइनस अल्फा एंड दिस इज अल्फा अपॉन एन हो जाएगा एसोसिएशन में. डिसोसिएशन में एन अल्फा था, ठीक है, और एसोसिएशन में ये अल्फा अपॉन एन हो जाएगा. सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम विल बी वन प्लस अल्फा
प्लस ए बाई एन। सो इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू आई माइनस वन वन अपॉन एन माइनस वन। सो वेंट ऑफ फैक्टर अगर एक से ज़्यादा हो फॉर द सॉल्यूट अंडरगोइंग डिसोसिएशन, एक से ज़्यादा होता है जो डिसोसिएशन में जाते हैं आई, और एक से कम होता है जब वो एसोसिएशन में जाते हैं, एसोसिएशन करते हैं। सो जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है वो पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।